श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्रम चांपे गौरार्ध शरीर काय कर पूर्वार्ध शरीर काय धम्मिल काय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात आधे शरीर में चंपा पुष्पों से गौरवर्ण पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कर्पूर के समान गौरवर्ण भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हैं और पार्वती जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम है। कस्तूरी का कुमकुम चर्चिताय चितार्जन कुंज विचर्चिताय कृत स्मराय विकृत स्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती के शरीर में कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा है और भगवान शंकर के शरीर में चिता भस्म का पुंज लगा है। भगवती कामदेव को जिलाने वाली है और भगवान शंकर उस नष्ट करने वाले हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम है। चलत वनक कंकण नुपुराय पादाब्जराजत फणि नुपुराय हेमंग दाय भुजगांग दाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती के हाथों में कंकण और पैरों में नुपुरों की ध्वनि हो रही है तथा भगवान शंकर के हाथों और पैरों में सर्पों के फुफकार की ध्वनि हो रही है। भगवती पार्वती की भुजाओं में सुवर्ण के बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शिव की भुजाओं में सर्प सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम है। विशाल नीलोत पल्लोचनाय विकासी पंके रोह लोचनाय समेक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर है और भगवान शंकर के नेत्र विकसित कमल के समान है। भगवती पार्वती के दो सुंदर नेत्र हैं और भगवान शंकर के सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि ये तीन नेत्र हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम है। मंदार माला क्लिताल काय कपाल मालांकित कंधराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात मंदार पुष्पों की माला भगवती पार्वती के केशपाशों में सुशोभित है और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला सुशोभित रही है। भगवती पार्वती के वस्त्र अति दिव्य है और भगवान शंकर दिगंबर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार है। अम्बोधर श्यामल कुंतलाय तड़ित प्रभाताम रचिताधराय निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती केश जल से भरे काले मेघ के समान सुंदर है और भगवान शंकर की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ लालिमा लिए हुए चमकती दिखाई दे रही है। भगवती पार्वती परम स्वतंत्र है अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है और भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार है। प्रपंच सृष्टि उन्मुख लास्य काय समस्त संहारक तांडवाय जगत जननी जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती लास्य कोमल और मधुर नृत्य करती है और उससे जगत की रचना होती है और भगवान शंकर का नृत्य सृष्टि प्रपंच का संहारक है। भगवती पार्वती संसार की माता और भगवान शंकर संसार के एकमात्र पिता हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार है। प्रदीप तरक नोज ज्वल कुंडलाय स्फुरन महापन्न घोषणाय शिवान्विताय च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती प्रदीप रत्नों के उज्ज्वल कुंडल धारण की हुई है और भगवान शंकर फूत्कार करते हुए महान सर्पों का आभूषण धारण किए हैं। भगवती पार्वती भगवान शंकर की और भगवान शंकर भगवती पार्वती की शक्ति से समन्वित हैं। ऐसी भगवती पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार है। फल श्रुति एतत् पठे दशक मिष्टगण यो भक्त्या समान्यो भूमि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमन कालं भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धिया। अर्थात आठ श्लोकों का ये स्तोत्र इष्ट सिद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है वह समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है, अनंत काल के लिए सौभाग्य प्राप्त करता है एवं अनंत काल के लिए सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है।